वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एको बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि आई वाज गेटिंग बिट कंफ्यूज्ड कि अपने ऑस्कर जो मैं आपको बता रहा था वो ये रहा, तो इसको मैं अब चेंज करने वाला हूँ। इसको आज निकालेंगे एंड देन आप लोगों के वोट के हिसाब से जो आया है, तो एक्चुअली मेरा भी मन टूवर्ड्स पैरेट था बट आप लोगों ने भी पैरेट सजेस्ट किया है, तो यस फाइनली आई एम एक्सचेंजिंग दिस विद अ पैरेट, सो आई विल गेट द रेड पैरेट नाउ। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इनको फीड भी करना है, इनको मैं फीड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, फिर हम चलते हैं शॉप में और इसको एक्सचेंज करके लाते हैं। बाय द वे कवर तो है नहीं मेरे पास, तो मैं इसमें ही फिश को ले जाना हूँ, इट्स हार्डली जस्ट 2 to 3 minutes, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसमें हम डाल लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम फीड करते हैं अपने ऑस्कर और पैरेट्स को। आज ये वाले ऑस्कर जाने वाले हैं, तो बाय द वे मैं इनको खिलाता हूँ ये ट्रू कलर्स, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। फूड देखते ही काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, इनको पता लग जाता है फूड आ रहा है। बैंग अगली बारी है इन गप्पीज की, तो चलिए इन गप्पीज को खिलाते हैं। अब बारी है इनको कप्स की और हमारे टर्टल की। तो बाय द वे टर्टल का भी फूड यही खा जाते हैं, तो मैंने अब ये नेट निकाल के रखा हुआ है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से फिक्स कर देता हूँ ताकि फिशेस इसका खाना ना खा पाए। तो ये देखिए, तो ये इतने पोर्शन में टर्टल रहता है, तो ये रहा इसका टर्टल का फूड, वो मैं डाल देता हूँ इसके पास आराम से। और ये रहे, इसमें मैंने मिक्स किया हुआ है 3 in 1 ऑप्टिमम और प्लस रेगुलर ऑप्टिमम, क्योंकि 3 in 1 थोड़ा अभी ख़त्म हो गया, मिल नहीं रहा है, तो अब ये इनकी बारी है। तो वहाँ से वहाँ पर मेरे जाने का वेट करता है, तभी आता है। और जो वो लास्ट का मिनी पॉन्ड है जो वो पीछे है, तो मैंने वैसे तो मैं यहाँ से चलते हुए जाता हूँ बट अभी एक लेजी तरीका ढूंढ लिया, यहाँ से ही सीधी फेंकता हूँ, ये गया और वो सीधा चला जाता है। तो चलिए अब ऑस्कर को निकालते हैं, थोड़ा बहुत बुरा तो लग रहा है बट ठीक है, इट्स ओके, और किसी हॉबिस्ट के पास ही जाएगा और पैरेट को लेके आते हैं। तो चलिए अब इसमें मैं पाली भर लेता हूँ, जो एक्वेरियम का ही है वही भर लेता हूँ, इतना पानी बहुत रहेगा। अब थोड़ी मेहनत लगने वाली है क्योंकि इतना इजीली वो आएगा नहीं हाथ में। तो चलिए अब जल्दी इसको लेके चलते हैं और चेंज करते हैं। सो गाइस एक्वेरियम शॉप पहुंच चुका हूं एंड दिस इज़ द टैंक जहां पे अब इसको डाल देते हैं एक्लीमेट के लिए, ताकि एक्लीमेट हो जाएगा थोड़ी देर
तो गाइज ये रेड पैरेट ले लिया, जो भी घर में जाके आपको दिखाऊंगा। एंड राघवन भाई से हाई टू राघवन भाई। तो अभी रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था नए स्टॉक का, तो आप अगर अभी तक आपने वो वीडियो अभी चेकआउट नहीं किया है तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और प्लस नए स्टॉक्स आते रहेंगे और नंदा एक्वेरियम से हम कवर करते रहेंगे। थैंक यू भैया, बाय। तो अब हम घर आ चुके हैं और चलिए अब इसको एक्लिमेट होने के लिए हम ये हो जाएगी अभी एक्लिमेट, तो इसको अभी एक्लिमेट होने देते हैं। तब तक मैं अपनी ये टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये बाल कटवाने हैं। रोज डांट खाता हूँ, कुछ अजीब से बड़े से हो गए हैं, तो जब तक ये एक्लिमेट भी हो जाएगी फिर हम इसको रिलीज़ करेंगे। तो गाइस एक्लिमेट हो चुका है और अब हम इसको निकालते हैं। तो बेसिकली मैं इसका पानी नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि फालतू में कुछ पैरासाइट या कुछ हो, तो सीधा इसको ऐसे निकाल लेते हैं। और चलिए अब इसको हम करते हैं रिलीज। पैरासिडोल जस्ट इन केस, ताकि कुछ पैरासाइट्स के इशू ना हो, तो इसका मैं हाफ कैप डालूंगा। तो गाइज ये था वीडियो मैंने जिसमें अपने ऑस्कर और पैरेट फॉर्म में एक और पैरेट फिश ऐड करी है। तो बाय द वे अगर आप मेरा वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, बालकनी मिनी पॉन्ड जिसमें कोई और टर्टल्स हैं, अनदर मोलीज पॉन्ड, तो मैं ऐसे और ऑस्कर गोरामी गप्पीज, तो मैं आप के जैसा एक छोटा सा हॉबिस्ट हूँ, तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ टर्टल्स एंड देन आई आल्सो टूर अदर पेट शॉप्स एंड ऑल। तो अगर आपको ऐसा और भी कंटेंट देखना है तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन, आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। और इनफैक्ट अभी काफ़ी अपडेट्स देने हैं टर्टल पॉन्ड पे, तो थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। और मीनवाइल अगर जो आसपास जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी अगर आप हेल्प कर सके तो किसी भी तरह आप हेल्प करिए। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।